नमस्कार, मैं प्रिया। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। खबरों की तरफ बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। बुद्ध पूर्णिमा के शुभ अवसर पर मुख्यमंत्री सहित राज्यपाल ने दी शुभकामनाएं। कारखानों में कामगारों की सुरक्षा को लेकर बनेगी विशेष समिति। बिहार सरकार की खास योजना, 10 रुपए में पौधे खरीदे, 60 रुपए में बेचे। बिहार में मौसम की आंख मिचौली। बिहार में राज्यसभा चुनाव के साथ विधान परिषद चुनाव की सरगर्मी तेज। अब चले बढ़ते हैं बिहार की शाम तक की बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। बुद्ध पूर्णिमा के शुभ अवसर पर मुख्यमंत्री सहित राज्यपाल ने दी शुभकामनाएं। आज यानी 16 मई सोमवार को देश सहित बिहार में भी बुद्ध पूर्णिमा धूमधाम से मनाया जा रहा है। इस अवसर पर बिहार के राज्यपाल फागू चौहान और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने प्रदेश और देशवासियों को शुभकामनाएं दी है। सीएम नीतीश कुमार और राज्यपाल ने इस मौके पर लोगों के सुखमय जीवन, शांति और आपसी प्रेम एवं सद्भाव की कामना की। बता दें कि सनातन धर्म में वैशाख मास की पूर्णिमा को बुद्ध पूर्णिमा के रूप में मनाया जाता है। माना जाता है कि वैशाख पूर्णिमा के दिन ही भगवान गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। इस साल बुद्ध पूर्णिमा 16 मई 2022 यानी आज सोमवार के दिन पड़ा है। वहीं आज महात्मा बुद्ध की 2566वीं जयंती के अवसर पर बुद्ध की ज्ञान स्थली महाबोधि मंदिर में आयोजित समारोह का उद्घाटन राज्यपाल फागू चौहान ने किया। नीट यूजी 2022 में आवेदन करने के लिए बढ़ाई गई तारीख। नीट यूजी 2022 के लिए आवेदन से चूक गए अभ्यर्थियों के लिए अच्छी खबर है। नीट यूजी में आवेदन करने की तारीख बढ़ा दी गई है। मालूम हो कि आवेदन के लिए 15 मई की तारीख निर्धारित की गई थी, लेकिन अब इस तारीख को बढ़ाते हुए 20 मई कर दिया गया है। नीट 2022 में रजिस्ट्रेशन आप ऑफिशियल वेबसाइट neet.nta.nic.in पर जाकर कर सकते हैं। आवेदन करने के लिए आवेदकों को 1600 रूपए लगेंगे। ईडब्ल्यूएस और आरक्षित छात्रों को 1500 रूपए जमा कराने होंगे। मेडिकल प्रवेश परीक्षा के लिए अब तक 15 लाख से अधिक छात्र आवेदन कर चुके हैं। बिहार से लगभग 70,000 से अधिक छात्र आवेदन कर चुके हैं। कारखानों में कामगारों की सुरक्षा को लेकर बनेगी विशेष समिति। कारखानों में काम करने वाले कामगारों के लिए बिहार सरकार विशेष कदम उठा रही है। राज्य के 8,000 से अधिक निबंधित कारखानों में काम करने वाले 2 लाख से अधिक कामगारों की सुरक्षा के लिए विशेष समिति बनेगी। कार्यस्थल पर कामगारों के हितों की सुरक्षा सुनिश्चित करना इस समिति का मूल दायित्व होगा। श्रम संसाधन विभाग के अनुसार वैसे कारखाने जहां 500 से अधिक कामगार होंगे, वहां अनिवार्य रूप से सुरक्षा समिति का गठन किया जाएगा। 3 वर्षों के लिए गठित होने वाली इस समिति की बैठक हर 3 महीने पर होगी। शैक्षणिक प्रशिक्षण और प्रमोशन से जुड़े मामलों पर भी ये समिति विचार कर सिफारिश करेगी। बिहार सरकार की खास योजना, 10 रुपए में पौधे खरीदे, 60 रुपए में बेचे। बिहार सरकार पर्यावरण को साफ और सुरक्षित रखने के लिए हर संभव कोशिश कर रही है। पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन विभाग राज्य में हरित आवरण बढ़ाने के लिए कच्ची योजना लेकर आया है। इसका मकसद कृषि वानिकी योजना से किसानों को जोड़कर उनकी आमदनी बढ़ाना भी है। योजना के तहत किसानों को प्रति पौधा 10 रुपए की सुरक्षित राशि पर दी जाएगी। ये राशि 3 वर्षों के लिए होगी। योजना के अनुसार जो पौधे किसान लेते हैं, उनकी देखभाल वो 3 साल तक करते हैं। यदि उनमें से 50% से अधिक पौधे बच जाते हैं तो प्रति पौधा उनको 60 रुपए अलग से दिए जाएंगे। इस योजना के लिए आप 30 जून तक आवेदन कर सकते हैं। आवेदन वो मेल भी कर सकते हैं। इसका ईमेल पता haryalimission@gmail.com है। बिहार में मौसम की आंख मिचौली। पूरे राज्य भर में मौसम की आंख मिचौली ने लोगों को खूब परेशान कर रखा है। मध्य बिहार में उठ रहे जबरदस्त लू दक्षिण पश्चिम बिहार को बुरी तरह से प्रभावित कर रहे हैं। मौसम विभाग की माने तो प्रदेश भर का अधिकतम तापमान 46.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। हालांकि IMD के अनुसार मई में दक्षिण बिहार सर्वाधिक गर्म माना गया है। इसी तरह बिहार में दक्षिणी बिहार के तापमान में 2 से 6 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ोतरी हुई। वहीं IMD पटना द्वारा उत्तर पूर्व बिहार के जिले मसलन, पश्चिमी चंपारण, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज, पूर्णिया, मधेपुरा और कटिहार में आज के लिए हल्की से मध्यम बारिश के साथ ठंड और आंधी की संभावना जताई गई थी। उद्योग मंत्री ने इन जिलों को दी डाई हाउस और ककून बैंक की सौगात। बिहार उद्योग के क्षेत्र में लगातार अपने पांव पसार रहा है। बिहार के उद्योग मंत्री ने भी ठान लिया है कि बिहार के कोने कोने में फैक्ट्री लगाने तक आराम नहीं करेंगे और इसी क्रम में बिहार के उद्योग मंत्री सैयद शाहनवाज हुसैन ने अपने एक दिवसीय बांका दौरे के दौरान जिले के लोगों को कई सौगात दी। अमरपुर में उद्योग मंत्री ने 50 लाख की राशि से धागे और कपड़ों की रंगाई के लिए अत्याधुनिक डाइंग हाउस का उद्घाटन किया तो कटोरिया में उन्होंने 40.43 लाख की लागत से निर्मित ककून बैंक का शुभारंभ कर दिया है। इसके साथ ही उद्योग मंत्री ने यह भी कहा है कि जब तक बिहार के चप्पे चप्पे में उद्योग नहीं लग जाएगा, तब तक वो चैन से बैठने वाले नहीं है। पंचायत प्रतिनिधियों को सम्मान नहीं देने वाले अधिकारी नपेंगे। राज्य में पंचायत प्रतिनिधियों को सम्मान नहीं देने वाले अधिकारियों को चेतावनी दी गई है और ये चेतावनी उपमुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद ने दी है। उपमुख्यमंत्री ने कहा है कि पंचायत के चुने हुए प्रतिनिधियों को जो भी सरकारी अधिनियम के अनुसार सम्मान नहीं देंगे वो नपेंगे। उन्होंने कहा कि समग्र विकास के लिए पंचायत प्रतिनिधियों की भागीदारी अत्यंत महत्वपूर्ण है। उपमुख्यमंत्री बीते दिन कटिहार में जिला परिषद अध्यक्ष के कोलासी स्थित आवास में नवनिर्वाचित पंचायत प्रतिनिधियों के लिए एक अभिनंदन समारोह में पहुंचे थे। जिला परिषद अध्यक्ष ने मेमोरेंडम सौंपते हुए पंचायत प्रतिनिधियों के हक और
हुकूक के बिहार सरकार को अवगत करवाया है। अगर अधिकारी पंचायत प्रतिनिधियों को सम्मान नहीं देते हैं तो उन पर कार्रवाई की जाएगी। बिहार कैबिनेट में फेरबदल को लेकर मुख्यमंत्री का बयान। बिहार कैबिनेट के विस्तार को लेकर महीनों से राजनीति चल रही है। मिली जानकारी के अनुसार भाजपा कोटे के मंत्रियों को बदला जा सकता है। भाजपा कोटे के मंत्री दिल्ली दरबार तक दौड़ रहे हैं। इसी बीच बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने यह कहकर चर्चा को और गर्मा दिया है कि जब मंत्रिमंडल में फेरबदल होगा तो पता चल जाएगा। सीएम नीतीश कुमार बुद्ध पूर्णिमा के मौके पर बुद्ध स्मृति पार्क पहुंचे थे। मुख्यमंत्री ने इस दौरान पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने साफ कहा कि जो होगा उस दिन आपको पता चलेगा। यानी मुख्यमंत्री का यह बयान ये बताने के लिए काफी है कि सरकार में मंत्रियों का चेहरा बदला जा सकता है। बिहार में राज्यसभा चुनाव के साथ विधान परिषद चुनाव की सरगर्मी तेज। राज्यसभा चुनाव के साथ बिहार में विधान परिषद चुनाव की सरगर्मी अब बढ़ गई है, जो कि जुलाई में पूरी होनी है। विधान परिषद में विधानसभा कोटे की 7 सीटें खाली हो रही हैं। राज्यसभा से वंचित दावेदार विधान परिषद के लिए भाग दौड़ करने में लग गए हैं। खाली होने वाली सभी सीटें राजोज्ञानी राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की है। इनमें से 5 जदयू, 1 भाजपा और 1 वीआईपी के खाते में है। हालांकि वीआईपी संस्थापक मुकेश सहनी भी अभी भाजपा कोटे से ही विधान पार्षद है। इन सभी सीटों का कार्यकाल 21 जुलाई को समाप्त हो रहा है। इससे पहले बिहार से 6 सीटों के लिए राज्यसभा सदस्य का चुनाव संपन्न होना है। कांग्रेस का भाजपा सरकार पर पोस्टर वॉर। बिहार में पोस्टर वाला मुद्दा भी राजनीति का एक जरिया है और एक बार फिर राजधानी पटना में एक ऐसा पोस्टर देखने को मिला जिस पर सियासी पारा चढ़ना तय है और ये पोस्टर विपक्षी पार्टी कांग्रेस ने लगाया है। कांग्रेस पार्टी ने पटना के इनकम टैक्स चौराहे पर एक पोस्टर लगाया जिसमें मोदी सरकार के अच्छे दिन पर प्रहार किया गया है। ये पोस्टर कांग्रेस नेता राजेश कुमार मिश्रा ने लगवाया है, जिसमें ये दिखाने की कोशिश की गई है कि सरकार जिसे अच्छे दिन कहती है उसी अच्छे दिन में महंगाई और बेरोजगारी चरम पर है। पोस्टर में आप देख सकते हैं कि बुरे दिन यानी मनमोहन सिंह की सरकार में बेरोजगारी दर 4% है, वहीं अच्छे दिन यानी मोदी सरकार में बेरोजगारी दर 15% पर है। बुरे दिन में एसएससी वैकेंसी 16,000 है, अच्छे दिन में 7,000 है। वहीं बुरे दिन में देश की जीडीपी 9.42% है, तो वहीं अच्छे दिन में देश की जीडीपी 2.62% है। तेजस्वी यादव ने कहा, ई जनगणना के लिए खर्च में ही पूरी होगी जातीय जनगणना। बिहार में पक्ष से लेकर विपक्ष तक सभी को जातीय जनगणना कराने की जल्दी है। खासकर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव को जातीय जनगणना कराने की बहुत ज्यादा ही जल्दी है। आए दिन इसका मुद्दा लेकर भी वो आते हैं। इसी क्रम में तेजस्वी यादव ने एक बार फिर से अपने बयान में सरकार को एक सुझाव दिया है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कहा कि ई जनगणना के खर्च में ही जातीय जनगणना हो सकती है, बस उसमें एक प्रश्न ही जोड़ना होगा। तेजस्वी ने कहा कि केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने बीते दिनों ये कहा था कि आगामी जनगणना इलेक्ट्रिक जनगणना होगी और इसे वर्ष 2024 तक पूरा कर लिया जाएगा। प्रधानमंत्री ने लुम्बिनी पहुंचकर माया देवी मंदिर में की पूजा अर्चना। देशभर में बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर जगह जगह विशेष तौर पर आयोजन किया जा रहा है। इस अवसर पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गौतम बुद्ध के जन्म स्थान लुम्बिनी पहुंचे थे, जहां पर महामाया देवी मंदिर में पूजा अर्चना की। उन्होंने बोधि वृक्ष की भी पूजा की। पीएम मोदी ने ट्वीट किया कि नेपाल आकर बहुत अच्छा लगा, यहां उनका शानदार तरीके से स्वागत किया गया। पूजा अर्चना के बाद प्रधानमंत्री ने ट्वीट कर कहा कि बुद्ध पूर्णिमा पर माया देवी मंदिर में पूजा अर्चना कर मैं धन्य महसूस कर रहा हूं। भगवान बुद्ध हम सभी को आशीर्वाद दे और हमारे ग्रह को शांतिपूर्ण और समृद्ध बनाए। टॉलीवुड और बॉलीवुड फैंस में छिड़ी जंग। साउथ सुपरस्टार महेश बाबू का बॉलीवुड पर दिया गया बयान तो आपको याद ही होगा। उन्होंने कहा था कि बॉलीवुड मुझे अफोर्ड नहीं कर सकता। महेश बाबू ने अपने इस बयान पर सफाई तो दे दी है, लेकिन उनके स्टेटमेंट से आहत हुए यूजर ने अभी तक साउथ स्टार को माफ नहीं किया है और लोग लगातार महेश बाबू को ट्रोल कर रहे हैं। महेश बाबू ने पिछले साल पान मसाला ब्रांड का ऐड किया था। इस ऐड को लेकर यूजर ने महेश बाबू की क्लास लगा दी। एक यूजर ने लिखा कि बॉलीवुड महेश बाबू को अफोर्ड नहीं कर सकता, लेकिन पान मसाला कर सकता है। पान मसाला ब्रांड को प्रमोट करते हुए लोग महेश बाबू को जमकर ट्रोल कर रहे हैं। वहीं महेश बाबू को एक फैन ने उनके बचाव में लिखा, लेकिन हमारी हीरो अंडरवर्ल्ड के लोगों के साथ पार्टी नहीं करते हैं। सौरव गांगुली ने रोहित और विराट के फॉर्म को लेकर दिया बड़ा बयान। बीसीसीआई अध्यक्ष सौरभ गांगुली ने भारतीय टीम के दो दिग्गज खिलाड़ी रोहित शर्मा और विराट कोहली के खराब फॉर्म को लेकर बड़ी प्रतिक्रिया दी है। गांगुली के मुताबिक वो इन दोनों प्लेयर्स की फॉर्म से चिंतित नहीं है। इसकी वजह यह है कि वर्ल्ड कप अभी दूर है और तब तक ये दोनों ही प्लेयर फॉर्म में वापसी कर सकते हैं। मिड डे से बातचीत के दौरान सौरभ गांगुली ने विराट कोहली और रोहित शर्मा के फॉर्म को लेकर कहा कि मुझे रोहित और विराट के खराब फॉर्म की चिंता बिल्कुल भी नहीं है। वो बहुत ही अच्छे खिलाड़ी हैं और काफी बड़े प्लेयर हैं। वर्ल्ड कप अभी काफी दूर है और मुझे पूरा भरोसा है कि टूर्नामेंट से पहले ये प्लेयर बेहतरीन फॉर्म में आ जाएंगे। राज्य में लगातार कोरोना संक्रमण दर में आ रही है कमी। देश के साथ साथ बिहार में भी कोरोना ने पैर पसारना शुरू कर दिया था। हालांकि राज्य में ताजा रिपोर्ट के मुताबिक स्थिति अब सामान्य हो गई है, लेकिन फिर भी आंकड़ों पर नजर डालें तो राज्य में संक्रमण की दर में कमी आ रही है। राज्य में कोरोना के एक्टिव मरीजों की संख्या शुक्रवार को 56, शनिवार 48 और रविवार 37, तो वहीं आज कुल कोरोना एक्टिव केस की संख्या 34 है। बीते दिन जारी किए गए पिछले 24 घंटे के रिपोर्ट के अनुसार 92,265 सैंपल की जांच हुई, जिसके बाद राज्य में महज 7 नए कोरोना
केस मिले हैं जो कि राजधानी पटना के हैं। वहीं देश भर की बात करें तो काफी दिनों बाद आज यानी सोमवार को जारी किए गए पिछले 24 घंटे के आंकड़ों के मुताबिक कोरोना के 2202 नए मामले सामने आए हैं। कल हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप में से बहुत सारे यूजर ने हमें कमेंट करके दिया था, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप में से जिन यूजर ने हमारे सवालों का सही जवाब दिया उनके नाम है राजकुमार प्रसाद, महेश दास, निकिता कुमारी, रोहित यादव, मोहम्मद शफी अहमद, गोल्डन कुमार यादव, शंकर मुखिया। आप इसी तरह हमारे सवालों का जवाब देते रहे, हर दिन वीडियो के अंत में आपका नाम लेने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है, सरकार की तरफ से कारखानों में कामगारों की सुरक्षा को लेकर विशेष समिति के गठन की योजना कारगर साबित होगी या नहीं, अपने जवाब हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। बिहार की बड़ी खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।